वही बिजनौर में लेखपाल की शर्मनाक करतूत की अब बात करते हैं। तहसील में महिला को सरेआम पीटा गया। जी हां, लेखपाल पर पट्टे की जमीन पर उगाही करने का आरोप है। महिला ने 50,000 रुपए रिश्वत देने का आरोप लगाया। दफ्तर में महिला ने लेखपाल को पकड़ा। लेखपाल ने दफ्तर में ही महिला को पीटना शुरू कर दिया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, धामपुर तहसील दफ्तर का ये पूरा मामला है, जहां पर लेखपाल किस तरह से इस महिला के साथ बदतमीजी करता हुआ दिख रहा है। लेखपाल पर इस महिला ने आरोप लगाई है, 50,000 रुपए रिश्वत देने का ये आरोप लेखपाल पर ये महिला लगाती दिखी, जिसके बाद लेखपाल बिफर गया और देखिए किस तरह से ऐसे धक्का देने लगा। महिला को धक्का देते हुए पीछे की तरफ धकेला। पट्टे की जमीन पर उगाही करने का जो गंभीर आरोप लेखपाल पर लगाया गया, महिला का ये भी कहना है कि इसके मद्देनजर लेखपाल तक 50,000 रुपए की रिश्वत भी पहुंचाई गई। बिजनौर में लेखपाल की शर्मनाक करतूत सामने आई है। तहसील में महिला को किस तरह से उसने सरेआम धक्का दिया, उसके साथ बदतमीजी की, ये देखिए तस्वीर आपके सामने। जब महिला अपने पैसे वापस मांगती दिखी तो बदतमीजी पे ये लेखपाल उतर आया। महिला का आरोप है कि 50,000 रुपए ऐसे तैसे जैसे करके मैंने लेखपाल तक पहुंचाए, जो कि रिश्वत के रूप में लेखपाल की तरफ से मांगे गए थे, बावजूद इसके काम नहीं हुआ। इसके बाद ये महिला लेखपाल के पास पैसे मांगने जा पहुंची। सुनिए। फैजल खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। फैजल, क्या ही पूरा मामला, लेखपाल की जो शर्मनाक करतूत सामने आई है, क्या कुछ हुआ वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बिजनौर की तहसील धामपुर का पूरा मामला है, जिसमें लेखपाल सत्येंद्र कुमार हैं, इन पर सीधे महिला आरोप लगाई है कि 50,000 रुपए पट्टे के नाम से इसने मुझसे लिए थे, जब मैं इसको मांग रही हूं तो उसके बाद वो मना कर रहा है कि पैसे नहीं दिए जाएंगे, ना मुझे पट्टा अभी तक मिला है, जिसका विरोध महिला से करा तो साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में। सत्येंद्र महिला के साथ धक्का मुक्की कर रहा है और गलत व्यवहार कर रहा है। फैजल, ऐसे में क्या महिला ने कहीं इस बारे में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है? जी बिल्कुल, बात करें अगर महिला की, तो महिला ने सीधे सीएम से हेल्पलाइन पर शिकायत की है पोर्टल पे, और उसका कहना यह है मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे पैसे या मुझे पट्टे मिलना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका फैजल खान इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल शिकायत दर्ज करवा दी गई है महिला की तरफ से, और इसका कहना है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। पट्टे के नाम पर जो इससे 50,000 रुपये की रिश्वत इस लेखपाल ने दी, वो वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि न तो पट्टा करवाया गया और न ही पैसे वापस दिए गए। पट्टे के जमीन को लेकर उगाही करने का ये गंभीर आरोप लेखपाल पर जैसे ही लगा, लेखपाल बिफर गया, सरेआम वहां पर तमाम लोगों के सामने महिला के साथ बदतमीजी करने लगा, उसे धक्का मुक्की करते हुए पीछे की तरफ धकेलने लगा। ये देखिए